पश्चिम बंगाल में भारी सुरक्षा और केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद राजनीतिक हिंसा नहीं थम रही है। मंगलवार को पूर्व क्रिकेटर और मोयना विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अशोक डिंडा पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। पूर्वी मिदनापुर के मोयना में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कार पर लाठियों और पत्थरों से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि डिंडा को चोटें आई हैं, उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। एक दिन पहले ही नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर भी हमले का प्रयास किया गया था। टीएमसी का झंडा थामे लोगों ने उनके काफिले को घेर लिया था। डिंडा के मैनेजर ने बताया कि पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी नेता करीब 4:30 बजे रोड शो से लौट रहे थे, तभी सैकड़ों गुंडों ने लाठी, रॉड और पत्थरों के साथ उन पर हमला कर दिया। गाड़ी पर पत्थर फेंके गए जिससे डिंडा के कंधे में चोट लगी है। डिंडा के मैनेजर ने बताया, घटना मोयना बाजार के सामने हुई जब हम रोड शो से लौट रहे थे। वहाँ एक टीएमसी का स्थानीय गुंडा शाहजहान अली था और उसके साथ 100 से ज्यादा लोग थे। उन्होंने लाठी, रॉड और ईंटों से हमला कर दिया। उन्होंने सभी रास्ते जाम कर दिए थे और बचने का कोई रास्ता नहीं था। दादा यानी डिंडा बीच वाली सीट पर बैठे थे, सौभाग्य से अपना सिर उस समय नीचे कर लिए जब एक बड़ा पत्थर शीशा तोड़ते हुए अंदर आया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद डिंडा के कंधे में बहुत दर्द है। टीएमसी ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि यह बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है। टीएमसी के जिला अध्यक्ष अखिल गिरी ने कहा, बीजेपी के पुराने नेता डिंडा को उम्मीदवार के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उस पर हमला कर दिया। इस घटना से टीएमसी का कुछ लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जहां एक ओर मनोज तिवारी टीएमसी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अशोक डिंडा को मैदान में उतारा है। बंगाल चुनाव में क्रिकेटर और अभिनेताओं का हमेशा से ही बोलबाला रहा है। बता दें कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद अशोक डिंडा पश्चिम बंगाल में शुरू हो रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए 24 फरवरी को बीजेपी में शामिल हो गए। अशोक डिंडा ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें पार्टी ने चुनावी मैदान में भी उतार दिया। बीजेपी ने अशोक डिंडा को मोयना विधानसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।